अब ब्लेसिंग डे फॉर पाकिस्तान आज की शुरुआती बड़ी जबरदस्त किस्म की है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को ट्राई सीरीज के पहले मैच के अंदर हरा दिया है, मतलब कि पाकिस्तान इसे कह सकते हैं। एक टाइम ऐसा आया था मुझे बड़ी नींद आ रही थी और मैं सो भी गया था, लेकिन जब मैं उठा तो मैंने बोर्ड के ऊपर देखा कि पाकिस्तान किसको कहते हैं 169 रन से बोर्ड के ऊपर। मुझे बड़ी खुशी हुई कि पाकिस्तान ने चलो यहां तक तो पहुंचे, क्योंकि एक टाइम पे मुझे लग नहीं रहा था कि पाकिस्तान इतने रन कर देगा, लेकिन हो गए। रिजवान इसको कहते हैं अच्छी इनिंग्स खेली रिजवान ने, लेकिन जब बाबर आजम ने जो आज इनिंग्स खेली है थोड़ा डिसअपॉइंट किया बाबर आजम ने, लेकिन पहला मैच है माफ कर देते क्योंकि बाबर आजम में पता है कि रिकवर कर जाएगा, लेकिन बाबर आजम को अपने स्ट्राइक रेट पे काम करना पड़ेगा क्योंकि वर्ल्ड कप सर के ऊपर है और इन कंडीशंस के ऊपर बाबर आजम को हम सब जानते हैं कि टाइमिंग अच्छी करता है, तो बाबर आजम को एक अच्छे स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करनी होगी। अगर आज बाबर आजम इसे कहते हैं 25 बॉलों पे 40 कर देते तो पाकिस्तान के रन 180 प्लस होते, लेकिन बाबर आजम के 25 बॉलों पे 22 की वजह से आज पाकिस्तान के रन कम है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बाबर आजम इस पर रिकवर करे। लेकिन जो पॉजिटिव साइन था आज पाकिस्तान का वो तो सिमिलर है ना पाकिस्तान का बुरी जो नेगेटिव साइड है वो पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर, वो आज भी नहीं चल पाया, वो आज भी कुछ नहीं कर पाया, लेकिन जो हमारी बॉलिंग थी उसका पॉजिटिव साइन ये है कि शाहनवाज दानी ने इसको कहते हैं आज अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवर में 24 रन दिए, 1 विकेट ली। मोहम्मद वसीम जूनियर ने आज अच्छी बॉलिंग की, 3 आउट किए 24 रन देके। आज हारिस रूफ को आखिरी ओवर में मार पड़ गई, हारिस रूफ ने 20 रन खाए, लेकिन उसके अलावा उसने इसको कहते हैं 3 ओवर में अच्छी बॉलिंग की थी। यासिर अली ने इसको कहते हैं आखिरी ओवर में धोता तो लगा दिया था 20 रन का, लेकिन मजा आया आज के मैच क्योंकि बड़े ज्यादा रन उन्होंने चेस करने थे। बांग्लादेश से कहते हैं ना, बांग्लादेश का मसला यही है, बांग्लादेश की टीम अगर आप देखें तो अब कोई एक्सपीरियंस प्लेयर इनके पास नहीं है, सो कह सकते हैं उनका शबीर ही और लितन दास ही उनका प्लेयर, उसके अलावा सारे इन्होंने नए प्लेयर खिलाए हुए हैं, तो मतलब कि बांग्लादेश भी जिसको कहते हैं ना अब एक नई स्टेज पे चलेगी, ग्रोइंग स्टेज पे, तो बांग्लादेश को क्रिटिसाइज करना बनता नहीं क्योंकि वो रिकवरी स्टेज पे आए हुए हैं। लेकिन फिर भी इसको कहते हैं बांग्लादेश ने मोमेंटम लॉस कर दिया, काफी ज्यादा स्लो हो गए थे, जिसकी वजह से जिसको कहते हैं ना रन रेट में बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड रन रेट में फासला आ चुका हुआ था। खैर पाकिस्तान ने मैच जीत लिया, होप्स ऑफ पाकिस्तान अगले मैचेस भी जीते, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान हार जाएगा, बांग्लादेश के खिलाफ अगेन दोबारा जीत जाएगा। बात करेंगे आज के एक और दिन की बात की, एक और मैच के बात की। देखिए ब्लेसिंग डे हमारे लिए है, पाकिस्तान इसको कहते हैं बांग्लादेश को हरा दिया, लेकिन एक और ब्लेसिंग तब हो जाएगी जो कहते हैं ना दिन अच्छे से अच्छा हो जाएगा हमारे लिए अगर पाकिस्तान की वुमेन्स इंडिया की वुमेन्स को आज हरा दें। इंडिया की वुमेन्स वो बड़ी खतरनाक वुमेन्स, ऑस्ट्रेलिया के बाद किसी वुमेन टीम को खतरनाक मैं समझता हूँ तो वो इंडियन वुमेन्स को मैं समझता हूँ। स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा, क्या खतरनाक किस्म की खिलाड़ी हैं, मतलब कि जब ये खेलती हैं तो ये छोड़ती नहीं होती, तो इनके खिलाफ पाकिस्तान को आज अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी है क्योंकि मैच बड़ा हैवी है। आधा मैच पाकिस्तान ने जीत लिया, टॉस जीत के पाकिस्तान ने आज आधा मैच जीत लिया हुआ है और मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान ऐसी ही परफॉर्मेंस अच्छी दिखाएगा। आज पाकिस्तान ने फैसला किया पहले बल्लेबाजी करने का, मैं समझ रहा था कि टॉस जीत के चेस करेंगे लेकिन बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो होप्स हो कि 200 रन बोर्ड पे लगाए और फिर इंडिया वालों के आओ जाके चेस कर लो। तो लेट्स सी क्या बनता है इस मैच में। अगर पाकिस्तान को आज का मैच जीतना है तो मेरे ख्याल से 4 नाम ऐसे हैं जिनको पाकिस्तान को आउट करना पड़ेगा। उन 4 नामों की अगर मैं बात करूं तो भाई उन 4 नामों में से कहते हैं स्मृति मंदाना सबसे पहले आती है, क्या जबरदस्त किस्म की खिलाड़ी है, बड़ा जिसको कहते हैं ना एग्रेसिव खेलती हैं और बड़ा जबरदस्त किस्म का खेलती है। लास्ट टाइम भी कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी। हरमनप्रीत कौर बड़ी जबरदस्त किस्म की फॉर्म के अंदर आई हुई है, इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज हुई उसमें सेंचुरी भी इन्होंने मारी थी ओडीआई सीरीज के अंदर, तो ये भी इसको कहते हैं बड़ी खतरनाक जिसको कहते हैं प्लेयर है, इनको भी पाकिस्तान को आउट करना पड़ना है। दीप्ति शर्मा एक क्लेवर लड़की है, बड़ी जिसे कहते हैं माइंड उसका तेज चलता है, अच्छी बॉलिंग भी करती है बल्लेबाजी भी कर लेती है, इसके खिलाफ भी पाकिस्तान को अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी होगी, इसको जल्दी जिसे कहते हैं ना आउट करना पड़ेगा। और रही बात जिसे कह सकते हैं एक इनकी रोड्रिग्स जिसे कहते हैं एक प्लेयर है, वो भी जिसे कहते हैं अच्छी बल्लेबाजी कर लेती है, तो पाकिस्तान को उसके खिलाफ भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी है, तो पाकिस्तान को इन 4 नामों के खिलाफ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी है। पाकिस्तान जिसे कहते हैं ना फिर अपना मैच में रिकवरी कर लेगा और पाकिस्तान की तरफ से मुनीबा अली और आलिया रियाज और बिस्मा मारूफ इनको एक अच्छी बल्लेबाजी करनी है ताकि पाकिस्तान को मदद मिले जीतने के अंदर। हाँ एक जिसको कह सकते हैं नाम ऐसा है जिसको आज इंडिया ने खिलाया नहीं, स्नेह राणा, ये लड़की ने हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ रन किए हैं, तो ये अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए, ये लड़की नहीं खेल रही, तो भाई मुझे पूरी उम्मीद है आज पाकिस्तान मैच जीतेगा, फेवरेट इंडिया, लेकिन दिल से कह रहा है आज पाकिस्तान मैच जीतने वाला और बड़ी खुशी होने वाली है, बड़ा मजा आने वाला है क्योंकि आज का दिन ही हमारा जीत का दिन है, तो लेट्स होप कि पाकिस्तान जीत जाए ये मैच। इंशाल्लाह मैच के फौरन बाद आपकी खिदमत दोबारा हाजिर होगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।